हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंदूरी पोहा की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है तो कम चीज़ें हमें अवेलेबल हो पा रही हैं। उन्हीं कम चीज़ों में हमें डिलीशियस रेसिपीज बनानी है बच्चों को, ताकि पसंद आए और हमें भी पसंद आए। इसलिए मैं आज आपको इंदूरी पोहा बता रही हूँ बनाना। मेरे पास अनार नहीं था और कम फ्रूट्स थे, इसलिए मैंने सिर्फ अंगूर का ही यूज़ किया है इस पोहे में, और मुझे हरी धनिया भी नहीं मिल पाई थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेस्टी पोहा की रेसिपी दूंगी, जिसके लिए देखिए एक बाउल मैंने पोहा लिया है, छन्नी लिया, नीचे मैंने एक बाउल लगाया है। अब हम अपने पोहे को पहले धुलेंगे। इस तरह मैं पोहे को धुल दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इसमें का पानी निकल जाए। देखिए ये मैंने करी पत्ता ले रखा है, 15 से 20 मैंने लिया है अंगूर, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च को चॉप करके, थोड़ी सी कैबेज, 3 मिर्च, ये भुजिया लिया है मैंने, रोस्टेड मूंगफली ली है और करी पत्ता लिया। बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बनाते समय बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। पैन हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून मीडियम साइज की, और हम 3 चॉप्ड मिर्चें डाल देंगे। मिर्च हमारा थोड़ा सा क्रैकल कर जाए तो हम सरसों डालेंगे। सरसों मेरे पास सफ़ेद वाली है, आप कोई भी सफ़ेद या काली यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डाल रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने सरसों डाला है। हम इन्हें क्रैकल होने देंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह से क्रैकल हो गया। अगर आप प्याज यूज करना चाहते हैं तो प्याज डाल सकते हैं, पर मैं प्याज नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें करी पत्ते डाल दे रही हूँ, और उसके बाद तुरंत हम अपने चॉप्ड जो वेजिटेबल्स थी उनको डाल देंगे, एक्सेप्ट हम अंगूर हम नहीं डालेंगे, और इन सब्जियों को हम पकने देंगे थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा इन्हें हम नहीं गलाएंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें मसाला डाल दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसे स्टर कर देंगे। स्वादानुसार इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं। नमक हम डाल रहे हैं, अपने स्वाद के अनुसार आप भी डाल दीजिएगा। 1/3 ऑफ द टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। अब इसे हम ढक देंगे, ओपन करेंगे। एक बार इसे हम स्टर कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम इसे ढक देंगे। थोड़ी गल चुकी है, थोड़ा सा हम सोया सॉस डालेंगे। अगर आपको पसंद आए तब आप सोया सॉस डालिएगा, नहीं तो आप अवॉइड कर दीजिएगा। इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे, जरा सा,
ताकि इसका कलर थोड़ा सा रेडिश हो जाए। मैं इसमें चुटकी भर डाल रही हूँ। हमारी सब्जियां अब गल चुकी हैं। 3 मिनट में ये सब्जी गल जाएगी क्योंकि मैंने इसे बहुत बारीक चॉप किया है, 3 से 4 मिनट। अगर आप मोटी चॉप किए हों तो थोड़े देर और सब्जियों को गला लीजिए। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमारा पोहा तैयार हो गया है। मैं स्विच ऑफ करूंगी और इसे सर्व करना स्टार्ट करूंगी। इसमें हम ग्रेप्स डाल दे रहे हैं क्योंकि अभी पोहा थोड़ा सा हमारा गर्म है। उतारने से पहले आप इसे डाल दीजिए, पकाइएगा मत। और इसमें हम मूंगफली डाल दे रहे हैं और भुजिया डाल दे रहे हैं। थोड़ी सी मैं प्लेटिंग करते समय यूज करूंगी। इनको मिक्स कर दे रहे हैं और फटाफट प्लेटिंग कर दे रहे हैं ताकि हमने जो भुजिया मिलाई है उसमें क्रंच रहे। अगर आपके पास अनार हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। कर रहे हैं सर्विंग। थोड़ी सी चीजों में आप डिलीशियस पोहा बना सकते हैं क्योंकि इस समय हमारे पास ज्यादा सामग्री नहीं है क्योंकि लॉकडाउन शुरू है, तो बड़ी परेशानी से कुछ सब्जियां आपको मिल पाती हैं और आप इसी में तरह तरह की चीजें बनाइए और खाइए। चलिए हम इसे सर्व कर दें। मैंने टेस्टी पोहा बनाकर तैयार कर दिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।